जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग फॉर लूप पढ़ रहे हैं सी लैंग्वेज में, और सी लैंग्वेज में फॉर लूप की अगली वीडियो है। तो आइए कोड ब्लॉक को ओपन करते हैं और डिफरेंट टाइप्स दो तीन पैटर्न हम बना करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और ये कोड ब्लॉक ओपन हो चुका है। यहां से हम न्यू फाइल चूज करते हैं और एम्प्टी फाइल ले लेंगे हम, ठीक है। और यहां पर हम अपनी कोडिंग करेंगे हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h, ओके। इसके बाद यहां पे int main लगाता हूं मैं, फिर यहां curly bracket, और अब यहां दो वेरिएबल मैं बना लेता हूं जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था। तो ये दो वेरिएबल हो गए। अब यहां पे printf लिखूंगा, और printf में जो हम देंगे वही चीज प्रिंट होकर आएगी, ठीक है। तो मैं यहां फिलहाल दे देता हूं परसेंट डी, थोड़ा अभी इसको चेंज भी करेंगे हम लोग, लेकिन थोड़ी देर बाद। अभी परसेंट डी हो गया और यहां आई की वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है। इतना कर लिया हमने। यहां पर हमें लूप लगाना था, तो ऊपर लूप लगा देते हैं फॉर लूप, ठीक है। आई की वैल्यू को स्टार्ट करते हैं वन से, आई इज लेस देन और इक्वल टू फाइव, पांच तक इस लूप को चला देते हैं, और आई प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट करा देते हैं, ठीक है। इट्स ओके। लूप की बॉडी कर्ली ब्रैकेट से भी बना लेते हैं, यहाँ पे फॉर लिखते हैं दोबारा से, फॉर लूप लगाते हैं। अब की बारी जे लेते हैं, और जे इज इक्वल टू वन, जे इज लेस देन और इक्वल टू फाइव, फाइव तक ही इसको भी चलाएंगे और जे प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद इसकी भी बॉडी को कर्ली ब्रैकेट से बना लेते हैं हम, ठीक है। लूप की बॉडी हमेशा कर्ली ब्रैकेट से बनाई जाती है, बात ध्यान रहे। एक कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, ठीक है। यहां पर अब हम प्रिंटएफ लिखेंगे। प्रिंटएफ दोबारा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि लाइन चेंज हो जाए। तो प्रिंटएफ लिख लिया और बैकस्लैश एन लगा दिया। बैकस्लैश एन लगाने से क्या होगा, लाइन हमारी चेंज हो जाएगी। प्रिंटिंग जब हम आउटपुट देखेंगे तो लाइन हमारी चेंज हो जाएगी हर बार, ठीक है। तो अभी इसको भी क्लोज करेंगे, और इसको क्लोज करने के बाद यहां पर रिटर्न जीरो, तो रिटर्न जीरो दे देता हूं मैं, ठीक है। हर बार जीरो ही रिटर्न करवाना है आपको, ठीक है, ये बात ध्यान रहे। अब चलिए इसको सेव करते हैं, loops.c के नाम से इसको सेव करता हूं, और अब इसको करवाएंगे कंपाइल। तो कंपाइल करवाया हमने, तो कोई एरर नहीं है। अब इसको रन करवाने की बारी, तो इसको रन करवा दिया। तो यहां पे वन वन, फिर टू टू, फिर थ्री थ्री, फिर फोर फोर, फिर फाइव फाइव, आप देख सकते हैं। अब इस स्क्वायर पैटर्न को हम लंबा भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे, यह देखिए यहां फाइव लिखा है मैंने, ठीक है। अब लंबाई इसकी बढ़ानी हो तो यहां मैं कर दूंगा 12, तो ये 12 टाइम प्रिंट होके आएगा, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूं पहले, और अब यहां से ओपन करता हूं loops.c, यहां से ओपन करूंगा loops loops.c, इसको ओपन किया मैंने। अब यहां पे मैंने 12 कर दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे 12 है। अब इसको मैं कंपाइल करवाया, तो कंपाइल हो गया, और रन करवाता हूं, तो यहां पे देख सकते हैं ये 12 टाइम आ रहा है। ये 12 टाइम एक स्क्वायर टाइप का पैटर्न, एक ये प्रिंट होकर आ रहा है, ठीक है। तो अभी 12 टाइम ये प्रिंट हो गया। अगर लंबाई बढ़ानी हो तो क्या करेंगे, मतलब लंबा करना इसको, तो क्या करेंगे, तो यहां पर भी हम 12 कर देंगे, तो ये दोनों 12 टाइम चलेगा, और ये काफी लंबा भी हो जाएगा और चौड़ा भी हो जाएगा, ठीक है। मिनट, पहले कंपाइल करवा दो, देन रन। कंपाइल करवाया हमने, अब रन करवाता हूं, तो यहां पर देख सकते हैं आप, चूंकि ये दो दो नंबर्स का पैटर्न है, तो इस वजह से ये चीज लंबी हो गई है। आप देख सकते हैं एल टाइप का ये शेप प्रिंट हो रहा है, देखिए एल टाइप का ये शेप प्रिंट हो रहा है। ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि नाइन्थ में जो 10 आया वो दो डिजिट का है, 11 आया वो दो डिजिट का है, ठीक है, इस वजह से ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। आई बात समझ में। अब चलिए, अगर मैं इसी पैटर्न को सिर्फ 9 टाइम करूंगा तब देखिए कैसा लगता है ये। अब चलिए, अगर मैं इसी पैटर्न को सिर्फ 9 टाइम करूंगा, सेव करते हैं, ठीक है। अब इसको मैं कंपाइल करवाता हूं पहले, इसको क्लोज करते हैं, देन फिर ओपन करते हैं, ओके। अब यहां से इसको मैं कंपाइल करवाता हूं फर्स्ट, कंपाइल हो गया। अब इसको रन करवाने की बारी, तो यहां से रन करवा दिया। तो यहां पे देख सकते हैं आप, ये बराबर में प्रिंट होकर आया, 1 2 3 4 5 6 7, ये अब कम हो गया। यहां पे देखिए 9 9, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 9 रोज 9 कॉलम प्रिंट हुए हैं, ठीक है।
तो ये तो रहा स्क्वायर पैटर्न। अच्छा अब इसमें हम थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे और थोड़ी सी चेंजिंग करने से ये ट्रायंगल शेप प्रिंट करके देगा हमें। कैसे करेंगे, यहां पर आई कर देंगे, तो जैसे ही आई करेंगे ना तो ये ट्रायंगल शेप प्रिंट करेगा, ये इस तरह से खुल जाएगा। अब यहां पर क्लिक करके कंपाइल करवाया मैंने इसको, कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। अब इसको रन करवाता हूं, तो यहां पर देखिए ये ट्रायंगल शेप प्रिंट हो रहा है, ठीक है। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, यानी कि एक दो तीन नाइन रोज नाइन कॉलम्स प्रिंट हो रहे हैं, तो कुछ जगहों पर स्पेस प्रिंट हो रहा है और कुछ जगहों पर नंबर प्रिंट हो रहे हैं, तो ये इस तरीके से ये प्रिंट हो रहा है, ठीक है। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। अब अगला इसका एग्जांपल हम देखेंगे, हम यहां पर क्या करने वाले हैं, ये जो परसेंट डी हमने लगाया इसकी जगह हम स्टार लगा देने वाले हैं। तो आइए यहां पे स्टार लगाते हैं, स्टार लगा दिया हमने, अब ये स्टार ही प्रिंट होकर आएगा। देखिए अब इसको मैं पहले सेव करता हूं हमने, अब यहां से इसको कंपाइल करवाते हैं, कंपाइल हो गया, जनरल हो गया, तो देखिए ये स्टार शेप प्रिंट होकर आ रहा है, ठीक है। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, ये स्टार शेप प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अगर हमें स्क्वायर शेप प्रिंट करवाना है तो क्या करना है, यहां पे मैं सिर्फ कर दूंगा, यहां पे मैं 5 रखता हूं, पहले 5 टाइम हम स्क्वायर प्रिंट करवाएंगे, ठीक है, 5 ही रखता हूं, ओके। इसको सेव करता हूं, प्रोग्राम पूरा सेव नहीं हो रहा था तो इस वजह से, तो कंपाइल करवाया और देन रन करवा देते हैं, ठीक है। तो देखिए मतलब एक बन के आ रहा है, ठीक है, जिसे हम आयत कहते हैं, आयत टाइप का एक शेप प्रिंट हो जा रहा है, जिसमें कितने कॉलम्स कितने बने हुए हैं, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम्स हैं, और रो कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 रोज 5 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये बात समझ में आ रही होगी कि फॉर लूप का यूज कैसे हम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से हम फॉर लूप ये लगा हुआ है, इसमें दो वेरिएबल हम लेंगे और दोनों वेरिएबल्स को रन कराएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो समझ में आई होगी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।